हिमाचल प्रदेश एक्वा कल्चर फिशिंग एंड मार्केटिंग सोसाइटी की वेबसाइट का पंचायती राज पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री बीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में शुभारंभ किया है। वहीं इस दौरान मत्स्य पालन में नवीनतम उन्नति प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश एक्वा कल्चर फिशिंग एवं मार्केटिंग सोसाइटी की वेबसाइट का पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में शुभारंभ किया। इस दौरान मत्स्य पालन में नवीनतम उन्नति प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कम पानी में भी अधिक मछली उत्पादन करने के साथ साथ हिमालयन फिश की ब्रांडिंग कर मार्केट में लाने और किसानों व मत्स्य पालकों को उनकी आय दुगना करने के बारे में भी रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य से आए मत्स्य निदेशकों ने भी अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनके क्षेत्र में अपनाई जा रही नवीनतम तकनीक को भी कार्यशाला में साझा किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई विकसित की जा रही तकनीकों, उनके संचालन और परिणामों पर भी किसानों के साथ चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रदेश में सर्वोत्तम रहने वाले मत्स्य किसानों को सर्वोत्तम उच्चतम कर्प मत्स्य उत्पादन की श्रेणी में पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस मौके पर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर सहित मत्स्य विभाग के अधिकारी और प्रदेश भर से आए विशेषज्ञ मौजूद रहे। विचार कर रहे हैं कि अगले वर्षों से हम हिमालयन फिश से जब उसको ब्रांड करके जब उतारे और अपना एक ब्रांड हिमाचल प्रदेश का जो है वो फिशरी डिपार्टमेंट जो है वो उतारेगा, और उसी तरह से जगह पर क्रीड़ा मत्स्य की काफी यहां पर बहुत ज्यादा स्कोप है, एंगलिंग का भी बहुत स्कोप है। हमारे बहुत सारी अच्छी पॉन्ड डैम है, गोविंद सागर झील है और कॉल डैम है, रंजीत सागर है। हमने पिछले वर्षों से हमने एंगलिंग कॉम्पिटिशन शुरू करवाए हैं,